ये कोई धर्म नहीं है। आर्य समाज ने जब से बना है तब से लेकर जब आर्य समाज का तेजस्वी स्वरूप समाज के सामने रहा, सारे देश के लोगों ने आर्य समाज के वर्चस्व को माना। आज मुझे याद आता वो इतिहास जब आर्य समाज का एक एक नौजवान सिर पर कफन बांध करके चलता था तो पूरा समाज कहता था आर्यों के बिना हमारा कोई संरक्षण नहीं दे सकता। लाहौर के अंदर आर्य समाज अनारकली की घोषणा थी, लाहौर के किसी कोने में यदि किसी के ऊपर कोई विपत्ति आए, किसी को कोई तंग करे, किसी को कोई तकलीफ और कष्ट हो, वो आर्य समाज अनारकली में आकर के अपनी शिकायत दर्ज कराए। आर्य समाज का कार्यकर्ता सूरज छिपने से पहले उसके घर जाकर के पूछेगा, भाई आपको क्या तकलीफ है, आपने आर्य समाज मंदिर में अपनी शिकायत भेजी है, मुझे आर्य समाज के अधिकारियों ने भेजा, आपकी मदद क्या हम कर सकते हैं बताओ। वो युग था जब आर्य समाज जन जन की समस्याओं का आर्य समाज मंदिर एक कंप्लेंट ऑफिस होता था, शिकायत घर बनता था, और जिस समय उसका वार्षिक उत्सव होता था जिसमें स्वामी शुद्धानंद 5 दिन तक लाहौर की गलियों में घूमकर 100-100 अपने साथियों को लेकर चलते थे, जिनके कंधे पर बड़े बड़े झोले लटके रहते थे, एक तरफ रद्दी अखबार मांगते थे, दूसरी तरफ आटा मांगते थे, 5 दिन तक रद्दी अखबार और आटे के ढेर लग जाते, वो रद्दी अखबार बेच करके उपदेशकों की दक्षिणा और मार्ग में दी जाती और जो आटा होता उससे वहां पर ऋषि लंगर चलता। 5 दिन के उस उत्सव में आर्य समाज के इतिहास में लिखा है 2-2 लाख लोगों की भीड़ वहां पर उमड़ा करती थी आर्य समाज के उपदेशकों के विचार सुनने के लिए। आर्य समाज का मतलब यह है कि एक श्रेष्ठ समाज, आर्य का मतलब यह है कि अन्याय के खिलाफ बोलने वाला, गरीब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने वाला, अन्याय करने वाले के खिलाफ आवाज उठाने वाले का नाम आर्य होता है। और आज मैं कहना चाहता हूँ यदि आर्य समाज को फिर से उसी प्रकार से एक उज्ज्वल, एक ज्वलन, एक प्रभावशाली तेजस्वी संगठन का रूप देना है तो आर्यों को अपने उस चरित्र के अंदर वो चीज पैदा करनी पड़ेगी जो हमारे पूर्वजों के जीवन के अंदर थी। राम प्रसाद बिस्मिल पागल नहीं था कि देश की आजादी के लिए भरी जवानी में उसने फांसी के फंदे को चूमा। भगत सिंह पागल नहीं था कि 23 साल और 17 दिन के अंदर वो नौजवान हंसता हुआ फांसी पर झूल गया, उसको उस आजादी का क्या मिला। हमारे लिए, हमारे देश की जनता के लिए अपना उत्सर्ग करके पूरा जीवन न्योछावर कर गए नौजवान, आज उनसे हमको प्रेरणा लेने की जरूरत है। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, आज का नौजवान चंद थोड़ी सी विलासिता के जीवन में उसकी चकाचौंध में पागल हो रखा, उसके जीवन के दायरे छोटे हो गए, उसकी प्रायोरिटीज, उसकी प्राथमिकताएं बदल गई है। उसकी प्राथमिकता ये है कि पहनने में कैसे महंगे ढंग का टी शर्ट और जीन का मिलान, रंग कैसा हो, कपड़े का डिजाइन कैसा हो, और किस प्रकार का हमारा खाना और कैसा हमारा रहने का स्तर हो। एक भौतिकवादी मानसिकता आज पूरे के पूरे युवा वर्ग के ऊपर हावी है। जब हम उनको कहते तपस्वी बनो तो उस समय ना वो नौजवान चाहते, ना उनके परिवार के लोग ही चाहते। इतवार के दिन छोटे बच्चे सोते हैं, माता पिता भी कहते हैं आज इनको डिस्टर्ब मत करो, इनको आराम करने दो। अरे जिस संस्कृति के पिलर राम है, जिस संस्कृति के पिलर योगेश्वर कृष्ण है, उनसे अगर हम प्रेरणा लेना चाहते हैं राम और कृष्ण से, तो उनके जीवन को देखो। राम की शिक्षा कहाँ हुई, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जमीन पर सो करके और कठोर अपने आसन के ऊपर सो करके उन्होंने पढ़ाई की। योगेश्वर कृष्ण एक गरीब ब्राह्मण के बेटे सुदामा के साथ एक कमरे के अंदर रूममेट जिसको बनाया उसमें सो करके शिक्षा प्राप्त की, तपस्वी जीवन बनाया। आज तपस्या से विपरीत जीवन बनाकर हम लोग ये माने बैठे हैं कि दुनिया पर विश्व विजयी हम ही होंगे। मुझे तो ये सब सुन करके आश्चर्य होता है, अंधेरे में हाथ मारे जा रहे हैं, मूल में भूल है। हम मूल को नहीं समझ रहे कि मूल कहाँ है। मूल है हमारे देश की वेदों की संस्कृति के अंदर, वो मूल छूट गया, पत्तों को सींचने का काम हो रहा है। ना सरकारें उस तरफ सोचती और ना धार्मिक संस्थाएं और दूसरे लोग सोचते, आज आर्य समाज की यही चिंता है। मुझे याद है कि इस समय जब हम इन बातों को विचार करते हैं तो हमारी तरफ लोगों का ध्यान है। मैं बात को समेटते हुए संक्षेप में उसका उपसंहार करते हुए आप सबसे निवेदन करता हूं, साथियों आज आर्य जो अपने आप को कहता है वो अपना थोड़ा सा प्रोग्राम बदले, एजेंडा बदले। कब तक हम शब्दों से जान देते देते अपनी इस बात को छोड़ देंगे, अब कर्म में उतरे। ज्ञान को कर्म में उतारे बिना वो ज्ञान अधूरा है। यदि अन्याय बुरा है तो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कौन आएगा।
यदि अधर्म बुरा है तो अधर्म के खिलाफ लड़ने के लिए कौन आएगा? यदि किसी गरीब की मदद करना सही है तो उसकी मदद करने के लिए कौन आएगा? यदि पश्चिमी संस्कृति और आज की जो पढ़ाई का स्तर है वो हमारे बच्चों के जीवन को लील रहा है, टेलीविजन के पर्दे पर आने वाली अश्लीलता मेरे देश के नौजवानों के चरित्र पर आक्रमण कर रही है, तो उसको बदलने के लिए, उसके विरुद्ध खड़ा होने के लिए कौन आएगा? मेरी बात कड़वी जरूर है, पर इतनी मैं कहना चाहता हूँ, बुराई जो बढ़ती है उसके लिए बढ़ाने की जिम्मेदारी बुरों पर नहीं जाती। बुरे जिम्मेदार नहीं है उस बुराई को बढ़ाने में, उसको बढ़ाने में जिम्मेदार कौन है? वे लोग जो अपने आप को सज्जन कहते हैं, जो अपने आप को अच्छा आदमी कहते हैं, जो अपने आप को आर्य कहते हैं। बुराई बढ़ रही तो आर्य समाज की जिम्मेदारी है, मैं ये मानता हूं। हम देश के सामने कहते हैं कि हम कमजोर पड़े हैं, आज उस कमजोरी को निकालकर बुराई के खिलाफ आवाज बनकर खड़ा होना होगा। सार्वदेशिक सभा में जब से मैंने एक साल पहले इस दायित्व को लिया, आपको जान करके खुशी होगी, ईश्वर ने मुझे शक्ति दी, एक वर्ष के अंदर पिछले 2 जुलाई से इस साल की 2 जुलाई तक लगभग 800 प्रोग्राम 365 दिन में मैंने किए, अटेंड किए और पूरे देश के अंदर घूम करके आर्य समाज के लोगों को खड़ा करने की कोशिश की। देश में आज जो बुराइयां हैं, गो हत्या का कलंक आज हमारे माथे पर है, अश्लीलता का नंगा नाच हो रहा है, देश के नौजवानों के चरित्र पर हमला है, पाखंड और अंधविश्वास दंदना रहा है, धर्म के नाम पर जो धार्मिक जनता है उसका दोहन, उसका शोषण, चंद धर्म के कथित जो गुरु हैं वो करने लग रहे हैं, शराब और नशे की आंधी आ रही है, इंजेक्शन लगा के नौजवान लड़के हॉस्टलों में खाना खाते हैं और दिल्ली के अंदर यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाली बड़े संभ्रांत परिवारों की लड़कियां लंबी लंबी सिगरेट पी करके और अपने जीवन का नष्ट कर रही है। ये सारी संस्कृति पर आक्रमण है, इसको रोकना है। सार्वदेशिक सभा ने पूरे देश में अभियान चला रखा है, हरिद्वार से होशंगाबाद तक यात्रा निकाली, मैं यहाँ से अभी निकल करके रात को रास्ते में रुकूंगा अलवर और कल सुबह मुझे जयपुर जाना है, जहाँ पर पूरे राजस्थान की आर्य प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन है, राजस्थान के 32 जिलों के लोग वहाँ पर एकत्रित होंगे और राजस्थान में आने वाले दिनों में हम 10 दिन की 15 दिन की एक बहुत बड़ी प्रचार यात्रा निकालेंगे, उसके बाद पंजाब की निकालेंगे, हरियाणा की हम निकाल चुके, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और इधर राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, ये पिछले दिनों हमने निकाली थी। पूरे देश के अंदर हम इस अभियान में जुटे हुए हैं, आओ हम और आप मिलकर समाज को बदलने के लिए इन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो और इस सारे वातावरण को बदले। जब ऐसा होगा और चारों तरफ वेद की भी ऋचाएं गूंजेंगी तो हम और आप सारे मिलकर कहेंगे, जो बोले सो अब है, वैदिक धर्म की जय। धन्यवाद।